Now we are going to go for the teasers of the song. आपको क्या लगता है? Because every day I was told Krishna ji के dates आ गए, Krishna ji के dates आ गए, dates आ गए, dates आ गए. हाँ, every day. देखिए डेट्स जो है हमारे डेट जो है सबसे बड़ी 1 जनवरी 1818 500 महारों ने 28,000 की पेशवा बाजीराव की सेना को धूल चटा दी 500 महारों ये कमाल है इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है और उसको फैसिलिटेट करना है दो ध्रुवों को देख करके अपना काम करना ये काम करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं और आप यकीन मानिए व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद यू आपका जो रोल है एज यू नो एपोक मेकिंग आपको रिमेंबर किया जाएगा और आप यकीन मानिए मैं रमेश तिवारी की बात नहीं है मेरे जेब में अगर 1 रुपया है तो बाबा साहब का रुपया है मेरा नहीं मेरा नाम जरूर प्रोड्यूसर के रूप में है लेकिन इस फिल्म में एक आम किसान का भी पैसा लगा है 3,000 लोगों का पैसा लगा है इस फिल्म में 3,000 छोटे छोटे गरीब किसानों का पैसा लगा है मेरा भी लगा है तो ये शक्ति कहीं नहीं जाएगी इस शक्ति को जोड़े रखना और कमाल दिखाना लोगों को दिखाना ये कभी होता है ऐसे मौके पर कृष्णा अभिषेक जी का इस फिल्म में आना इस फिल्म के साथ में जुड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको जी सर माइक खुद ही ले लेते हैं हम रिक्वेस्ट ही करते हैं आपको आपको रिक्वेस्ट ही करते हैं नहीं नहीं मैं आपकी हर एक बात को सर बिलीव करता हूं क्योंकि आज भी आपने हिस्ट्री कर दी है मीडिया को सुबह 10 बजे बुलाना ये पॉसी सब रात वाले होते हैं तो आज सुबह आ गए 10 बजे एक बार जोरदार ताली आपने दी और एक बार रमेश जी के विजन के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं एंड बीइंग ऑनेस्ट मेरी रमेश जी से हमेशा फोन पे ही बात होती थी और मुझे फोन पे काफी इंटरेस्टिंग लगे रमेश जी लेकिन जब मैं एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूंगा कि जब मैंने इस फिल्म का फुटेज देखा ये पूरी टीम इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां मैं ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं इतना एक्साइटेड हो गया जब मैंने गाने देखे मास्टर जी मतलब क्या गाने किए मास्टर जी के जितने गाने होते हैं जितने के 100% सारे हिट हैं और ये भी आने वाले नए साल की हिट की शुरुआत है आप देखना तो इसलिए आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं भी ऐसी फिल्म से जुड़ूं स्लैपस्टिक कॉमेडी करना बोल बच्चन की रोहित सर के साथ काम किया अक्षय सर के साथ मैंने एंटरटेनमेंट की लेकिन इस ये एक एक्टर के लिए भी एक चैलेंज होता है और एक जब कुछ नया करने को मिलता है तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड सर जेन्युइनली और एक और चीज कहना चाहूंगा ये नहीं कि अर्जुन यहाँ पे बैठे हुए हैं राजनीति इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स तो मैं एक्साइटेड भी था कि आई एम गोना वर्क विद अर्जुन सनी के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ दिगांगना आपने तो मामा के साथ किया तो ऐसा लगता है मेरे साथ कर ही चुके हैं तो हम एक ही हैं दोनों एक ही बट जेन्युइनली सर रमेश जी मैं जेन्युइनली बहुत है और आज मैं पर्सनली मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली नॉर्मली लोग कहते नहीं मेरी पहली मुलाकात है मतलब फ़ोन पे हमारी काफ़ी मुलाकातें हो चुकी बातों बातों में लेकिन ऐसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे मुझे और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत मजा आने वाला है काम करके आपके साथ थैंक यू थैंक यू वेरी मच और मामा के साथ काम किया था चलो अभी हम साथ में कर रहे हैं वो ऐसी
वैसी फीलिंग है, दोस्ती वाली नहीं होता है, साथ में काम करना चाहिए। वैसे हमारा तो प्रेस में कुछ ना कुछ आता रहता है, लेकिन वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे। हम तो मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ। साथ में कब आ रहे हम दोनों? हाँ, मेरा बड़ा एक्साइटेड, रमेश जी फिल्म बनाई ना कभी, गुप्ता जी और मेरे को लेके ऐसा आगे प्लान करिए। कभी करिए, आपको दोनों साथ करेंगे। हाँ, हम कर लेंगे सर। चलो ठीक है, देखिए क्योंकि इसकी भी शूटिंग बाकी है अभी। ऐसा नहीं कि आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है और हमारी हाँ, तो अभी इस फिल्म के लिए हम एक्साइटेड हैं, इसकी शूटिंग अभी होनी है। Can we please have some distance?